बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क्लास कल हम लोगों ने जो है वो कुछ बात की थी पोलर और नॉन पोलर के बारे में। पोलर और नॉन पोलर के हवाले से हमने बात की थी। जो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। अगर वो सिमिलर एटम्स या एक जैसे एटम्स के दरमियान में होंगे तो उनको पोलर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, सॉरी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट के दौरान होंगे तो जिनमें एक जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से काफ़ी ज़्यादा होगी, तो ऐसे केस में हम लोग उसको कहेंगे पोलर कोवलेंट, ठीक हो गया। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके नतीजे में एट दी एंड हमने बात कही थी कि जहाँ पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे जो बॉन्डेड शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा रिजाइड करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है हम कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर जुज़वी मनफी या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कल बात होने की, ठीक है। और जिसके ऊपर जो है वो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर कम टाइम गुजारेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये कल बात की, ऐसे ही था। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉन्सेप्ट अगर आपको समझा दूँ, आमतौर पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक, मतलब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बॉन्ड बॉन्ड का मॉलिक्यूल बनाते हैं एच ओ, ठीक है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल हमने बनाया है, इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल इन बॉन्ड से मिलकर बना हुआ, ठीक है जी। इनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर क्या होंगे, एक मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शन होगा या अट्रैक्शन होगी या फोर्स होगी उसको कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो होगी उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर, और अगर दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ये बना, एक और यहाँ पर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा या फोर्स बनेगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, हिंदी समझ आ गई। चले, अब हम लोग जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आमतौर पर क्या होता है, जो एक कंपाउंड होते हैं स्पेशली कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो है आमतौर पर पाए जाने वाले बॉन्ड्स के साथ साथ और बहुत सारी खसूसियात जो है वो पाई जाती हैं, और बहुत सारी फोर्सेज या कुवतें पाई जाती हैं जो उन बॉन्ड्स को ज़्यादा मुस्तहकम करती हैं या उन कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबिलिटी देती हैं या उन कंपाउंड्स की खसूसियात को आम हालात से तब्दील नहीं होने देती, उनको हम कहते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड्स के अलावा भी कई किस्म के इंट्रैक्शन होते हैं या फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान मौजूद होती है, इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज, इतनी समझ आ गई बात। अब यहाँ से चलते हैं आगे, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज की दो टाइप्स यहाँ पर हमारे कोर्स में दी गई, इसके अलावा भी टाइप्स, मैं आपको थोड़ा सा अगर उनका नाम बता दूँ तो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल जो है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, एक नाम है, एक नाम इसका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एक आता है वैन डेर वाल फोर्सेज का, और एक आता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज का, चार नाम है। पहला नाम आता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेज का, दूसरा आता है वैन डेर वाल फोर्सेज का, तीसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, चौथा आता है लंदन डिस्पर्शन का। इसकी प्रतीक कोई भी रख सकते हैं हम लोग, चार इसकी जो है वो टाइप्स हैं, पहला है डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है या इंट्रैक्शन इसको बोलते हैं। नंबर टू है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नंबर तीन पे हमारे पास वैन डेर वाल, वैन डेर वाल फोर्सेज हैं, वैन डेर वाल फोर्सेज हैं। चौथी है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, ठीक होगा। यहाँ पर वैन डेर वाल लंदन डिस्पर्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं है, नेक्स्ट क्लासेज में ये आ रही है। यहाँ पर हमारे पास पहली दो चीज़ें हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका तस्करा है आज का हमारा यही टॉपिक है, हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल 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 जो है ये आप लोगों ने जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया था, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में हमने बात की थी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल होता है उसको हम क्या कहते हैं मोनोएटम, क्या कहते हैं मोनोएटम। ऐसा मॉलिक्यूल जो दो पर मुश्तमिल होता है, तीन पर मुश्तमिल होता है, डाई एटॉमिक और बहुत सारे पर मुश्तमिल होता है, तो पॉलीएटॉमिक। ये हमने बात की, इसका मतलब डाई लफ्ज़ से आपको शनासाई है, आपको पता है डाई का मतलब क्या, डाई का मतलब दो, इतनी समझ आ गई बात। डाईपोल अब लफ्ज़ वही है, डाई पोल।
अब डाइपोल से मतलब होता है दो पोल वाला, एक का पॉजिटिव पोल होगा एक का नेगेटिव पोल। अब हम कल वाली एग्जांपल HCl को ही दोबारा यहाँ पर जो है वो कंक्लूड करते हैं, दोबारा यहाँ पर ऐड करते हैं HCl। अब HCl के अंदर देखें, HCl में ये जो दरमियान में पाया जाता है ये तो है कोवलेंट बॉन्ड, ये तो समझ आ गई ऐसे ही है। ये जो कंपाउंड है ये पोलर कंपाउंड है, हमें पोलर का कैसे पता चला, पोलर का कैसे पता चला, डिफरेंट है दोनों। हाँ जी, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नेगेटिविटी वाला है और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों के हमने वैल्यूज भी डाली थी, 2.1 इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 3.0 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिस्कवर किसने की थी, पॉलिंग ने, कितनी किसकी, फ्लोरीन की कितनी होती है 4.0 कल हमने बात की। अच्छा अब यहाँ से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मिनट के लिए उठा लेते हैं। अच्छा अब ये यहाँ पर एक बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, अब इस बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब ये है कि ये बॉन्ड ज्यादा देर क्लोरीन पर रहता है, थोड़ी देर हाइड्रोजन पर रहता है, ज्यादा देर थोड़ी देर हाइड्रोजन पर, ये चीज समझ आ गई, इसी चीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जितनी देर ये क्लोरीन पर रहेगा नतीजतन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये कल बात हमने की, और जहाँ पर ये कम दे रहेगा वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब क्या होगा, पार्शियल नेगेटिविटी क्या करेगी और पार्शियल पॉजिटिविटी क्या करेगी, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का असर ज्यादा महसूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का असर ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने गिर्द मौजूद जो इसके गिर्द और जो हमारे पास HCl कौन सा एक ही एटम पड़ा हुआ है, बहुत सारे एटम जो है वो पड़े हुए हैं, इसी तरीके से इसके इधर वाली साइड वाला जो HCl है ये भी, अब क्या होगा ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इस H को अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला H जो है जिसको ये वाला क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है जी, जैसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव था सेम ही दैट केस, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल उनको कभी भी बॉन्ड की तरह जाहिर नहीं करते हैं, बॉन्ड को हम लोग कम्प्लीट लाइन से मुकम्मल लाइन से जाहिर कर रहे हैं, जबकि जो अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उनको हम डॉटेड लाइन से, नुक्तादार लाइन से या डॉटेड लाइन से जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात। ऐसी फोर्सेज जिसके अंदर सबसे पहले क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम क्या कर दे, एक डाइपोल बना दे, पोलैरिटी आ जाए। इस कंडीशन को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं, पोलैरिटी से मुराद होती है एक जो है वो आइटम उसके ऊपर एक पोल बन गया है, नेगेटिवनेस या मनफी जो है वो सारा असर एक पर जाहिर हो रहा है और मुस्बत जो है वो दूसरे पर असर जाहिर हो रहा है, इसको पोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं, या डाइपोल डाइपोल बन जाना। अब ये डाइपोल बन गया, इसका डाइपोल क्या करेगा, इस डाइपोल का एक पोल दूसरे के पोल को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका जो पोल है इसके पोल को दूसरा कोई और जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, दरमियान में छोटे छोटे जो है वो इनके रबते बन जाते हैं, दरमियान में इनके छोटी छोटी वाबस्तगी बन जाती है, इस वाबस्तगी को हाइड्रोजन बॉन्ड, अब इस हाइड्रोजन जो है उसको डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। जहाँ तक समझ आगे बात करें, अच्छा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में ज़रूरी बात जो है वो ये है कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में एक चीज़ जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा होना जरूरी है, दोनों में पोलैरिटी डिवेलप ही तब होगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, फर्क होगा। अगर डिफरेंस है तो डाइपोल डाइपोल पैदा होंगे, अगर डिफरेंस नहीं है तो डाइपोल डाइपोल नहीं पैदा, ये चीज समझ आ गई। जब तक डाइपोल डाइपोल पैदा नहीं होंगे तब तक ये इंट्रैक्शन भी पैदा नहीं होगा, ये चीज समझ आ गई। चलें हमारे पास डाइपोल डाइपोल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अच्छा डाइपोल डाइपोल का फायदा क्या है, डाइपोल डाइपोल की वजह से क्या होता है, डाइपोल डाइपोल की वजह से खसूसियात में इजाफा हो जाता है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी में इस्तेहकाम में इजाफा हो जाता है। ये वाले केमिकल्स जो हैं ये आम हालात को या आम कंडीशन को बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर पाते हैं हालात को, मिसाल के तौर पर ऐसे कंपाउंड इन्हीं के जैसे अगर हम और कंपाउंड ले लें जिनमें जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है, जिनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है, उनके कंपाउंड्स की खसूसियात में मेल्टिंग नुकता खुलाव में, नुकता पिघलाव में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, और इनके नुकता खुलाव और नुकता पिघलाव मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जमीन आसमान का फर्क होगा। इनके नुकता खुलाव और पिघलाव मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दैट जिनके अंदर ये जो है डाइपोल डाइपोल मौजूद नहीं है। वजह क्या है उसकी, ये फोर्सेज क्या करती हैं, ज़्यादा इस्तेहकाम देती हैं, ज़्यादा सख्ती देती हैं,
ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, ज़्यादा कुव्वत प्रोवाइड करते हैं इन मालिक्यूल्स को, ताकि ये मालिक्यूल्स ज़्यादा कुव्वत के साथ एक दूसरे के साथ व्यवस्था यहाँ तक समझ आ गई बात। अब चलते हैं इससे अगला हिस्सा जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल की समझ आ गई, सीधी सीधी सी बात है, एक चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, दूसरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, इन्हीं के फर्क की वजह से पार्शियल पॉजिटिविटी और पार्शियल नेगेटिविटी डिवेल्प होगी। यही पार्शियल नेगेटिव जो है ये इन्ना असर इलेक्ट्रॉन का है ना, उन्हें नाल देने भी कहना आ जाए तो भी मेरे नाल लग जाए, इसको भी इसने भी ये कहना, इसने उसके साथ वाबस्ता हो जाना, इनकी वाबस्तगियों को ही हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं, यही फिर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक लिहाज से तो डाइपोल डाइपोल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी से मुख्तलिफ हैं। किस तरीके से उस जैसा है और किस तरीके से मुख्तलिफ है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो डाइपोल डाइपोल ये अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की ही एक किस्म कैसे किस्म है, ये देखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसकी एक किस्म कैसे है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी डाइपोल ही डिवेल्प होंगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, डिफरेंस डिवेल्प होगा और वीक मॉलिक्यूलर फोर्स डिवेल्प होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं, कुछ चीज़ें बड़ी खास हैं। देखें वो चीज़ें कौन सी खास है, चलें हम लोग देखते हैं। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, जब डाइपोल डाइपोल की बात करते हैं, तो उसमें पार्शियल पॉजिटिव जिस चीज़ पर आ रहा है वो हाइड्रोजन होना लाजमी नहीं है, वो हाइड्रोजन हो भी सकता है और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसेंशियल है, लाजमी है, ज़रूरी है कि पार्शियल पॉजिटिव चीज़ हमेशा हाइड्रोजन होगी। शाबाश, वेरी गुड। जो पार्शियल पॉजिटिव चीज़ है वो हमेशा ये चीज़ समझ आ गया। हम चलते हैं इससे आगे, ज़रा देखते हैं हम लोग बात करते हैं। अच्छा, पहली कंडीशन इसमें शर्त पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये होगी कि मोर जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हाइड्रोजन इस पे आएगा, हाइड्रोजन। इसके मुकाबले में जो हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम होगा, जो पार्शियल नेगेटिव आइटम होगा, उसके पास उसकी शर्त ये है कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए उसके पास, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, लोन पेयर उसके पास होंगे तो जो इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन बनेगा उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक समझ आ गई बात। चले अब इसी एग्जांपल से देखते हैं, जरा हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, हमने क्वेश्चन के शुरू में लिखने की कोशिश की थी, यहाँ से दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन है जी, ऑक्सीजन आमतौर पर देखिएगा जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सरकासी ने जब यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बनाया था तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को नीचे लटका लिया, ऐसे हुआ था, जबकि बाकी में ऐसे नहीं करते, यहाँ पर मैंने सीधे सीधे बनाया, इनको नीचे लटकाया क्यों नहीं है, तो उसकी एक वजह है, उसकी एक बड़ी खास वजह है, वो वजह देखिए। जब भी हम वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसके जो हाइड्रोजन होते हैं इनको थोड़ा टेढ़ा बनाया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड्स में जो ऑक्सीजन होती है उसके सर के होते हैं दो लोन पेयर, क्या होते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करते हैं, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स लगे हैं उनको नीचे को ढलका देते हैं, नीचे को झुका देते हैं, नीचे को झुका देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया जिसमें दो एच लगे हैं, हमारे एक वाटर है, अब इसका जरा इस मॉलिक्यूल को गौर से देखें, इसमें दो हाइड्रोजन लगे हुए, ऑक्सीजन लगा हुआ है, अब हाइड्रोजन जो लगे हुए इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये एक शर्त तो पूरी होगी। दूसरी जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम है या पार्शियल नेगेटिव वाला आइटम है उसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी समझ आ गई। अब इसका मतलब यह है कि इसके करीब हम कोई और वाटर का मॉलिक्यूल लेके आए तो देखते हैं इनके दरमियान क्या अट्रैक्शन हो जाए, देख लें। चलिए अब क्या करते हैं, अब जो ये लोन पेयर हैं ये क्या करते हैं, इधर वाली साइड पर अगर हम एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इस एच को अपने साथ अटैच करेगा। अब ये जो वाबस्तगी है इसको भी हमने डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया है, नुक्तादार लाइन से ज़ाहिर किया है, इसका मतलब है कि ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक समझ आ गया। हाँ जी, अब ये जो हाइड्रोजन, अच्छा एक एक मॉलिक्यूल का नहीं होता, यहाँ पर हज़ारों करोड़ों की तादाद में लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक और वो लगा लें और उसको के साथ और लगा लें, इसको किसी और जो है वो के साथ व्यवस्था कर दें और इसके एच जो है वो ऐसे कर दें, तो ये जो बॉन्ड्स हैं
इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अच्छा डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। फर्क इसका सीधा सा ये है कि जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है उस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर नहीं होते, लोन पेयर नहीं होते। जबकि यहाँ पर जो मोर पार्शियल जो है वो नेगेटिव है उसके पास लोन पेयर होते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन लोन पेयर हो सकते हैं, एक दो, एक और दो जो है ये मोस्ट कॉमन होते हैं, ये ज्यादा आम होते हैं, एक लोन पेयर या दो लोन पेयर ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ये ये हमारा आज का काम है। इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, इनकी वजह से चीज़ों के अंदर खसूसियात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। खसूसियात एक आम क्वेश्चन जो आमतौर पर बहुत बार पूछा जाता है वो है बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। आप लोगों से भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया होगा, नहीं भी पूछा गया तो आपसे अगली क्लासेस में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये सवाल लाजमी पूछा जाएगा कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। वैसे सोचा कभी इस बात, कभी सोचे तो इस बात को आखिर बर्फ क्यों तैरती है। पहली बात तो इसमें ये है कि जो जो बर्फ होती है इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये जब करीब आ रहे होते हैं तो इनमें कुछ स्पेसिस बन जाती है, हवा की स्पेसिस बन जाती हैं। इन स्पेसिस की वजह से क्या होता है, जड़ी बर्फ होती है वो पानी को हल्की, बर्फ़ पानी से हल्की होती है, जिसके वजह से बर्फ़ के ऊपर पानी के ऊपर जो है वो बर्फ़ तैरती रहती है। पहली बात है क्योंकि उसके अंदर वो होते हैं सुराख होते हैं। इसके अगर सुराख देखना चाहते हैं तो हम लोग कुल्फी घर में आती है, ये बिकने आती होती है कुल्फी, एक कुल्फी खोए वाली, वो उसकी बजाय दूसरी कुल्फी स्क्रीन वाली कुल्फी होती है, पॉप्सिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। अब पॉप्सिकल को या स्क्रीन वाली कुल्फी को जैसे हम लोग चूसते हैं या उसको खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है उसमें हमें सुराख नज़र आने लग जाते हैं, स्पेसिस नज़र आने लग जाते हैं। तो ये स्पेसिस वो हवा के सुराख होते हैं जो हवा बर्फ़ जमने के दौरान बच जाते हैं। चलो इसको मैं एक और तरीके से एग्जांपल से मिसाल समझाता हूँ। बर्फ़ हम लोग घर में जमाते हैं, एक बर्तन रखते हैं जिसके अंदर हम पानी डाल के बर्फ़ जमाते हैं, कोला जमाने के लिए हम लोग रखते हैं ना। अब वो जो कॉल या कोला हम लोग बर्फ़ जमाने के लिए पानी का रखते हैं, जब पानी का कोला हमने रखा था या कॉल रखा था तो पानी बिल्कुल बराबर सरफेस पे था, बराबर था पानी, लेकिन जब बर्फ़ जम दिया तो बर्फ़ और दोमाड़ी के दरमियान चो दरमियान में से ऊँची क्यों होती है बर्फ़। उसकी वजह ये है कि जो बर्फ़ है उसकी डेंसिटी पानी से कम है, पानी की कसाफत ज़्यादा है, बर्फ़ की डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से वो फूल जाती है। जितना अपने बेकरी वाले नहीं कर बेकरी वाले करते हैं, पेड़ा छोटा सा ले लेते हैं उसको क्या करते हैं फिर वो बना लेते हैं, वो रबर रोटी इतनी बड़ी सारी बन जाती है। तो ये बिल्कुल सिलसिला होता है बर्फ़ के साथ, बर्फ़ क्या करती है, बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है तो बर्फ़। एक तो वजह इसकी ये है, दूसरी वजह होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी वजह क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो वजूहत होती हैं जिस वजह से क्या होता है बर्फ़ पानी के ऊपर, बर्फ़ पानी के ऊपर। सबसे पहली बात अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो बर्फ़ होती है आइस या बर्फ़ की अगर हम बात करते हैं तो बर्फ़ की डेंसिटी 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ठीक होगा जी, 0.917। लेकिन इसके मुकाबले में पानी की डेंसिटी जो होती है ये होती है 1.000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो हमेशा नीचे होगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो हमेशा ऊपर होगा। डेंसिटी का अगर ये डिफरेंस आपको समझाना हो तो एक और तरीके से समझाया जा सकता है, पानी और पेट्रोल की अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कभी ये बचपन में या घर में आपने तजर्बा किया होगा, तेल हो, सरसों का तेल हो या कोई तेल हो या पेट्रोल हो, जब भी इसको पानी में डालेंगे वो हमेशा ऊपर तैर करेगा। वो परफ्यूम तैरता है, वजह उसकी यह है कि उसकी कसाफत या उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। अगर उसकी डेंसिटी पानी के बराबर होती तो वो पानी में शामिल हो जाता, पानी के दरमियान में आ जाता, अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती तो वो नीचे बैठ जाता, नीचे बैठ जाता। काला तेल होता है एक चीज़ या मोबिल ऑयल होता है, काला तेल होता है अगर उसको पानी में शामिल करें तो वो पानी से नीचे बैठ जाए और पानी जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा। शहद होता है, शहद को पानी में हल करें वो उतने नहीं तरेगा, वो क्या करेगा नीचे बैठेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी या कसाफत पानी से। कसाफत को एक और तरीके से हम समझें, एक गिलास दूध का ले लें, एक गिलास शहद का ले लें, दोनों को उल्टा कर लें, गिलास दूध के और गिलास शहद का हम उल्टा कर देंगे तो दूध का गिलास जो है वो जल्दी खाली हो जाएगा, एमिल्ट्री लाओगे तो दूध का गिलास खाली हो जाएगा, लेकिन जो शहद है वो टाइम लगाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। उसकी वजह यह कि उसकी डेंसिटी और उसकी कसाफत ज़्यादा हो जाती है। ले जी, आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी है, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हल करने की कोशिश की है, जिसको हम लोग कहते हैं ये बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने याद कर लेने, अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो मतलब कि लग रही है आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को आपने दोबारा से रिमाइंड करके देखना है, ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो कन्फ्यूजन है वो सारे देख सकें। आप लोग बुक ओपन कीजिएगा आप लोग, और इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास सब कुछ क्वेश्चन।